हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए, सबसे पहले इसका डायग्राम है। ये माउथ है ह्यूमन बॉडी में, ये देखिए माउथ। उसके बाद ये जाता है नीचे इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, और स्टमक से फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन ये, और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ फिर एनस के थ्रू ये बाहर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं और एलिमेंट्री के नाम भी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो जिससे होकर के जो भोजन होता है वो हमारे माउथ से, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है और एब्डोमेन पेल्विस तक जाती है और फिर एनस होकर बाहर निकल जाती है, जैसे अभी हमने डायग्राम देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हम फूड खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं वो डायरेक्ट क्या है एनर्जी या ऊर्जा हमें नहीं दे सकते, इसलिए जो भोजन होता है वो छोटे टुकड़ों में टूट जाता है या तोड़ा जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, जिससे कि ये शरीर में काम आ सके। भोजन के अणुओं को अब हम ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। इसको डाइजेस्टिव प्रोसेस भी कह सकते हैं। डाइजेस्टिव प्रोसेस की जो डेफिनेशन होगी वो किस तरीके से होगी, भोजन के जो अणु होते हैं, भोजन के अणु को रासायनिक मतलब केमिकल या यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, भोजन के जो अणु होते हैं उसको केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ा जाता है या तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है जिससे उनका एब्जॉर्प्शन इजीली प्रोसेस के द्वारा किया जाता है उसे हम, या वह जो प्रोसेस होती है उसे हम पाचन क्रिया या डाइजेस्टिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस होती है वो दो तरीके से होती है। फर्स्ट है मैकेनिकल ब्रेकडाउन और सेकेंड है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन फर्स्ट, इसमें क्या होता है, इस क्रिया में जो भोजन को व्यक्ति स्वयं चबाता है और चबा करके क्या होता है, ये भोजन को बड़े बड़े टुकड़ों में फास्टली तोड़ता है। सेकेंड जो होता है केमिकल डाइजेस्टिव, केमिकल डाइजेशन में जो यह जो प्रोसेस होती है इसमें जो फूड के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसमें उसको सलाइवा, जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा में मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं उसके थ्रू जो छोटे छोटे भोजन के जो बड़े टुकड़े होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, तथा इसके साथ ही इसमें जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो उसमें भी जो उससे जो भी एंजाइम्स निकलते हैं, स्रावित होते हैं, जो सिक्रेट होते हैं उनका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम में जो क्रियाएं होती है फर्स्टली होती है इंजेशन, इंजेशन मतलब निकलना। इस क्रिया के द्वारा जो भोजन होता है उसको मुंह में लिया जाता है और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाता है। सेकंड होती है प्रोपुलेशन, इसमें जो भोजन होता है उसको मुंह में अंदर की ओर धकेला जाता है। और थर्ड होती है डाइजेशन, इसमें डाइजेशन में दो प्रोसेस होती है, मैकेनिकल और केमिकल। फिर उसके बाद होती है फोर्थ, जो प्रोसेस है वो एब्जॉर्प्शन है, इसमें जो इस क्रिया में जो भोजन के बचे हुए जो पोषक तत्व तो उसको म्यूकस द्वारा एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और करके पूरे बॉडी में फैलाया जाता है। फिफ्थ होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब ये फाइव प्रोसेस होती है, इंजेशन, प्रोपुलेशन,
और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, ये 5 प्रोसेस होती है डाइजेशन की। उसके बाद हम देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में जो है एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एक एक खोखली जो लंबी नली होती है, ये माउथ से स्टार्ट होकर फेरिंग से होकर एनस तक जाती है, और इसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट है इसमें माउथ, सेकेंड है फेरिंग्स, थर्ड है इसोफेगस, और फोर्थ है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ सिक्स लार्ज इंटेस्टाइन, और सेवन्थ है रेक्टम और एनस। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्टली हमने देखा एलिमेंट्री की जो ऑर्गन्स है, अब सेकेंड जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है उसको हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स में देखेंगे कि जो में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं सहायक अंग, जैसे कि सिक्रेशन, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो सिक्रेट्स आहार नली में अपना सिक्रेशन छोड़ते हैं, और जो भोजन या पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पाचन तंत्र में जो सहायक अंग पाए जाते हैं वो है टीथ, टंग, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, और लीवर एंड बाइलरी ट्रैक्ट, फिफ्थ है गॉल ब्लैडर, और 6 है पेंक्रियास। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो जो भोजन की जो वॉल होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो ग्रास नली से एनस तक फैली हुई होती है, और इसके टिश्यू जो होते हैं विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं। ये परतें हैं जैसे कि फर्स्ट है तुम्हारा एडवेंटिया और आउटर कवरिंग, सेकेंड है मस्कुलर लेयर, थर्ड है सब म्यूकोसा, और फोर्थ है म्यूकोसा। इस प्रकार से 4 लेयर होती है इसकी। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किस टाइप से, तो ये है, देखिए डायग्राम, एंटीरियर लेयर ये है, लीवर, स्टमक, पेरिटोनियल केविटी, ट्रांसवर्स कोलन, अम्बिलिकस, पेंक्रियास, लेजर सेक, ट्रांसवर्स, मेसोकोलम, डियोडिनम। ठीक है, ये दिख रहा है मेजेंट्रा विद स्मॉल बाउल, इधर ये पेरिटोनियल केविटी, यूटेरस, यूरिनरी ब्लडर एंड स्मॉल बाउल, और रेट्रोसिग्मॉइड कोलन। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो व्यवस्थित ऑर्गन्स होते हैं वो दिखा रहा है। अब हम इसमें देखेंगे जो एलिमेंट्री किनार की सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम एडवेंसिया कहते हैं, एडवेंसिया या आउटर कवरिंग। यह सबसे बाहरी आवरण होता है इसका, और ये लूज फाइबर टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और यह जो मेम्ब्रेन होती है वो जो एब्डोमिनल के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसको ढके हुए रखती है, और इसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। इसी जो आवरण होता है इसको पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम यह जो होती है हमारे बॉडी की सबसे बड़ी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और यह 2 परतों से मिलकर बनी होती है,
जो एक प्रकार का सेक बनाती है, और इस सेक को ही पेरिटोनियल केविटी कहते हैं। इस केविटी में कुछ मात्रा में सीरस फ्लूड भरा होता है जो फिजिकल बैरियर का काम करता है और अवरोधक का काम करता है, मतलब किसी भी प्रकार के जो चोट होती है इंटरनल ऑर्गन्स को उसको रोकने से लगने से बचाता है, और यह इंटरनल इन्फेक्शन को भी बचाने में हेल्प करती है। पेरिटोनियल लेयर जो होती है वो दो परतों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है पेराइटल लेयर, यह जो होती है एब्डोमिनल की दीवार से जुड़ी होती है, और सेकेंड है विसरल लेयर, यह जो होती है जो एब्डोमिनल एंड पेल्विक केविटी के अंगों को ढके हुए रखती है। पेरिटोनियल में जो ऑर्गन्स की व्यवस्था होती है इस प्रकार होती है, जैसे पेल्विक जो केविटी होती है, पेल्विक केविटी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऊपरी परत से ढके हुए होते हैं। स्टमक सेकेंड है कि स्टमक वो इंटेस्टाइन जो होती है इंटरनल रूप से पीछे की तरफ ढके हुए होते हैं, जो चारों तरफ से पूर्ण रूप से पेरिटोनियम के दो परतों डबल फोल्ड द्वारा ढके हुए होते हैं। पेरिटोनियम के दोनों जो होते हैं परतें दीवार जो होती है दीवार के पीछे की तरफ जुड़ी हुई, दोनों जो लेयर थी वो एब्डोमिनल के पीछे की वॉल पर जुड़ी हुई होती है। फिर देखेंगे जो पेराइटल लेयर एंड विसरल लेयर होती के बीच में एक स्लेस्विक फ्लूइड भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं स्लेस्विक फ्लूइड कहते हैं, जो किसी प्रकार के घर्षण से बचाता है। यह हो गई एडवेंडिया या आउटर कवरिंग, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। सेकेंड लेयर है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर भी दो परतों से मिलकर बनी होती है, स्मूथ टिश्यू की बनी होती है, और इसमें दो परत होती है। फर्स्ट देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सेकेंड है इनसर्कल मसल्स। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है ये बाहरी परत होती है आउटर लेयर, और जो इनसर्कल मसल्स होती है वो इंटरनल लेयर होती है। इन दोनों जो मसल्स के बीच में ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल्स नर्व्स स्थित होती है। इन जो मसल्स होती हैं पेशियों में जो कॉन्ट्रेक्शन होता है जिससे भोजन नली में क्या होता है भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, तो जो इस स्मूथ मसल्स के जो कॉन्ट्रेक्शन आते हैं इसे हम क्या कहते हैं पेरिस्टालसिस। जो एलिमेंट्री केनाल की जो मसल्स होती है मस्कुलर लेयर होती है उसमें जो कॉन्ट्रेक्शन आते हैं उसको हम क्या कहते हैं पेरिस्टालसिस। इन कॉन्ट्रेक्शन के द्वारा भोजन वो पाचक रस आपस में मिल जाते हैं, और भोजन की जो अगली क्रिया होती है इंस्पेक्टर के द्वारा नियंत्रित की जाती है। यह भोजन को वापस जाने से रोकती है, मतलब एलिमेंट्री केनाल में जो स्टमक होता है उसके ऊपर की तरफ एक इंस्पेक्टर एक कपा मतलब एक कपाट जिसे एक मसल्स पाई जाती है जिसे हम इंस्पेक्टर कहते हैं इंस्पेक्टर कहते हैं, ये जो होती है भोजन को वापस परतों जाने से रोकती है। अब हम ये हो गई सेकेंड लेयर। फर्स्ट है एडवेंटिया या आउटर कवरिंग जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, सेकेंड है मसल्स लेयर, और थर्ड है सबमुकोसा। थर्ड लेयर है सबमुकोसा, यह क्या होती है यहाँ पर ढीले संयोजी कनेक्टिव टिश्यू और कुछ रेखित तंतुओं से मिलकर बनी होती है। इस परत में ब्लड वेसल्स लिम्फ वाहिनियाँ रक्त तथा विभिन्न प्रकार के लिम्फोसाइट टिश्यू पाए जाते हैं जो भोजन नली को नियंत्रित करते हैं। अब फोर्थ देखेंगे हम म्यूकोसा। यह जो एलिमेंट्री किनार की सबसे इंटरनल लेयर होती है और इसके निम्न जो फंक्शन होते हैं वो है प्रोटेक्शन सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो सबसे इंटरनल लेयर होती है उसकी म्यूकोसा जो निम्न कार्य करती है जैसे कि प्रोटेक्शन सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन। इंटरनल लेयर एलिमेंट्री किनार के सबसे इंटरनल लेयर कौन सी होती है म्यूकोसा। अब यह जो इंटरनल लेयर होती है म्यूकोसा यह भी तीन परतों से मिलकर बनी होती है,
फर्स्ट है लेमिना प्रोपिया, सेकंड है मस्कुलरेसिस म्यूकोसा और थर्ड है म्यूकोसा मेम्ब्रेन। फर्स्ट है लेमिना प्रोपिया, यह जो होती है कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है जो ब्लड वाहिनियों को सहारा और अंदरूनी जो कला होती है जो उसको जो टिश्यू होते हैं उसको न्यूट्रिशन देती है और यह जो लिम्फ टिश्यू होते हैं उसका भी बचाव करती है। सेकंड होती है म्यूकोसा मस्कुलरिस म्यूकोसा, यह जो होती है आउटर बाहरी जो होती है पतली आरेखित पेशियों की बनी होती है और इसमें क्या होता है स्लेस्मिक परत को यह अंतर्मिलन में इन्वर्शन करती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे म्यूकोसा मेम्ब्रेन, थर्ड लेयर है इसकी म्यूकोसा मेम्ब्रेन। यह एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है और इसमें क्या होता है श्लेष्मा कोशिकाओं की झिल्ली की तरह ये म्यूकोसा का श्रावण करती है। इसमें से म्यूकोसा मेम्ब्रेन में से म्यूकस सीक्रेट होता है और इसमें गॉबलेट सेल्स के द्वारा ये बनी होती है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन का जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन ये गॉबलेट सेल्स क्या करती है उसको घर्षण से या किसी प्रकार के चोट से बचाती है। इसमें स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होते हैं जो स्ट्रेटिफाइड जो टिश्यू होते हैं कॉलमनर टिश्यू भी इसमें पाए जाते हैं गॉबलेट सेल में नीचे। तो इस प्रकार के जो टिश्यू होती है कोशिका या ग्रंथि के नीचे जो होते हैं इसमें जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू होती है उसके नीचे जो एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जो कि जो केनाल होती है उसके भीतरी स्थान में ल्यूमेन में अपना सिक्रेशन को छोड़ती है। तो डायग्राम में दिखाया गया है गॉबलेट सेल्स दिख रही है कि नीचे में बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिससे हमने टिश्यू पहले भी मस्कुलर टिश्यू पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो इसका सिक्रेशन होता है उसमें अब हम देखेंगे कौन कौन से तत्व या कौन कौन से घटक इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कहाँ से निकलता है गैस्ट्रिक ग्रंथ मतलब आमाशय ग्रंथि से जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस निकलता है। दूसरा जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वहाँ से सलाइवा निकलता है। थर्ड देखेंगे जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है वहाँ से इंटरनल जूस निकलता है। फिर जो अग्नाशय से पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है। इसके बाद फिफ्थ है लीवर से बाइल सीक्रेट होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे इसके बाद, आइए।